नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। पंजाब आतंकवादी पीड़ितों का 100 परिवारों का एक वफद भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से दिल्ली में मिला। पांच प्यारों ने जो जत्थेदारों को लेकर फैसला लिया वो सही है, कहा पूर्व जत्थेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ने। पठानकोट में आतंकी हमले में मारे गए शहीदों को अमृतसर में दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। पंजाब में आतंकवादियों के द्वारा मारे गए लोगों के करीब 100 पारिवारिक मेंबर भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। वहीं उन्होंने पंजाब में आतंकवादियों द्वारा मारे गए परिवारों को उचित मुआवजा देने की बात कही। करीब 25 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने हर संभव मदद देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर अमृतसर पहुंचने पर डॉक्टर बीआर हर्षी के मुताबिक करीब 50,000 लोग आतंकी पीड़ित हैं और उनमें से कई तो अपना नाम भी दर्ज नहीं करवा सके। मैं डॉक्टर बीआर हर्षी, ऑल इंडिया आतंकवाद पीड़ित एसोसिएशन द चेयरमैन। असी कल दिल्ली दे विच श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री भारत सरकार जी ने 101 मैंबरी डेलीगेशन लैके पंजाब के आतंकवाद पीड़ित परिवार जिहड़े खासकर विधवा औरतां उन्होंने लैके गए सी, क्योंकि कुछ मंगा ने जिहड़ियां पंजाब सरकार वालों भेजिया गई ने और वो केंद्र सरकार दे कोल पेंडिंग पईआं। जदों इलैक्शन सीगा पिछे जेटली साहब का उदों इत्थे साडे अमृतसर च आए सी और उन्होंने साडे नाल बैठा सी साडियां मंगां नूं देख के कि अगर NDA दी सरकार आएगी तो ये तुहाडा डेफिनेटली जिहड़ियां तुहाडियां मंगां पूरियां कीतियां जाणगियां। असीं उस सिलसिले दे विच जेटली साहब को टाइम लिया सीगा और कल असीं दिल्ली दे विच उन्हां नूं मिले आ ते विच उन्होंने साड़ियां मंगा जिहड़ियां उन्होंने लईआं और उन्होंने पूरा पूरा भरोसा दिता कि मैं बहुत जल्दी ये मंगा जिहड़ियां तुहाडियां सरकार दे अगे रख के और इन्हां नूं मंजूर करावांगा जी। वैसे पंजाब दे विच 50,000 परिवार जिहड़ा अफेक्टड होया, पर सरकार दी जिहड़ी रिकॉर्ड है वो 32,514 फैमिलियां वो रजिस्टर्ड ने, बाकी रजिस्टर्ड होने वाली ने। असी साड़ी एक मेन मंग यह भी है कि असी वेलफेयर बोर्ड जिहड़ा वा पंजाब सरकार वालों जां पंजाब सरकार वालों जां केंद्र सरकार अपने लैवल ते इन्हां आतंकवाद पीड़ितों वास्ते कोई वेलफेयर बोर्ड वा बनावे और फिर वो लोग भी जिहड़े अज तक रह सके आ जिन्हां दा जिहड़े अपने नां नहीं दर्ज करा सके उन्हां दे भी नां दर्ज किए जाण और इन्हां नूं मुड़ वसेवे दियां अजे भी सहूलतां देण दी लोड़ है। 1985 च पॉलिसी बनी सी, सरकारां बदलन दे नाल नाल इह समें समें सिर हर सरकार वायदा करदी रही है, पर साडियां पॉलिसियां अजे कुछ मंगां नूं छड्ड के बहुत सारिया मंगा साड़िया पैनिया। 2007 बाद 9 के लोग सभा इलैक्शन भी इन्होंने नाल सी, 12 के विधानसभा इलैक्शन थोड़ी नाराजगी सी क्योंकि सिर्फ एको ही मंग साड़ी मंजूर की गई सी उस सरकार वालों। इन्होंने पेंशन जी 2500 रुपए तो वधा के 5000 रुपया की थी, बाकी साड़ी बोर्ड की मंग इन्होंने पहले मनी हुई सी नहीं की, ना साडा पैकेज जारी कर अपने को नहीं दिता और जारी भी नहीं करवा सके। असीं नाराज सां, पर इहदे बावजूद केंद्र के लीडर ने मैनू अप्रोच किया परसनल तौर पर 16 जनवरी 2012 में मैनू दिल्ली के मनोहर लाल खट्टर जी और JP नड्डा जी ने स्पैशल मेरे नाल मीटिंग की थी और उन्होंने सानू आश्वासन दिता सीगा कि असीं तुहाडा बोर्ड बनावांगे। वो बोर्ड अजे तक नहीं बनिया, पर असीं 12 दे भी इन्हां दे नाल आ, हुण असीं फैसला लवांगे। असीं ठीक है कि पार्टी दे नाल इस वेले BJP पार्टी नाल इन्हां दी आतंकवाद पीड़ित सहायता कमेटी बनी हुई उहदे नाल चलदे हां, पर अगर साडा पैक नहीं मिलदा तो सानू फिर फैसला लेना पवेगा कि असीं हुण इस इलैक्शन विच की करना। पठानकोट के आतंकी हमले में शहीद हुए जिला गुरदासपुर जिले के गांव चक शरीफ के DSC में कार्यरत हवलदार सरदार कुलवंत सिंह का पूरे सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। शहीद सरदार कुलवंत सिंह जी खुद ही देश सेवा में नहीं लगे हुए थे, बल्कि वह अपने बेटे को भी फौजी अधिकारी बनाना चाहते थे। वह अपने बेटे को फौज में आला अधिकारी बनाने का सपना देख रहे थे। इस मौके पर आए शहीद कुलवंत सिंह के साथ तैनात साथियों ने बताया कि उनका आतंकियों के साथ सबसे पहले सामना हुआ था और आतंकियों से जबरदस्त मुकाबला करते हुए वे शहीद हो गए। ऑपरेशन चल रहा था, इसने काफी लड़के ने काम किया, ठीक है ना, इसने मारा भी है, उनके साथ गुत्थम गुत्थी हुई है, उधर मैगजीन गिरे हुए थे, लेकिन बाद में जब सुबह हुई तो पता चला कि उनको गोली लग चुकी है, क्योंकि एरिया लंबा चौड़ा है, कुछ नहीं बोल सकते उधर का। 30 तरीक से सर मैं उन्होंने छड़ के आए थे, तड़के तड़के मगेरियां 5 बजे उन्हों की ड्यूटी सर 7 बजे उत्थे पठानकोट, फिर सर उन्हों का अगले दिन 1 तरीक फोन आया सर, हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दी सर उन्होंने। वो सर मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हें आर्मी का टॉप अप ऑफिसर बनाऊंगा सर, लेकिन सर आखिरी दिनों में
फोटो भी उन्होंने खुद बनवाई शायद अपनी। हाँ जी सर, खुद अपनी फोटो सर गांव पर दे गया है बाजार में सर बनवाने के लिए, जो अभी भी सर बना दी है सर उसने स्टूडियो वाले जी। मेरा नाम पहले जोगिंदर सिंह है जी, ये मेरा क्लास फैलो है, शुरू तो मेरे नाल ही पढ़िया ही है जी, एक साल का फर्क है मेरे नवेड, तो सतवीं क्लास में मेरे नाल ही मैट्रिक अं दो ने एक एक साल की 1983 85 से आर्मी ज्वाइन किया ना जी, 86 मैं किया तकरीबन, फिर 2004 में जो रिटायरमेंट आ DSC हो गए, तो जो मैं है मैं 2012 में आके 2012 में पुलिस में रिटायर ज्वाइन किया जी। कैसा इनका आर्मी में भी तजुर्बा? नहीं नहीं ये जी बहुत ही जितना मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, जितनी मेरे गांव के जो भी लड़के लोग इनसे पूछ लेना, ये लड़का जो बहुत ही स्वभाव रूप का ही, मतलब जितना बोल दो मैं कम है, बहुत ही ज़्यादा सही। जैसे ये नौकरी तो और भी कर सकता ही, लेकिन इसने सोचा कि मैं उधर से अच्छा है, उधर से मैं इधर भी आके पहले फौज में आर्मी में किया, जहाँ आके ज्वाइन करूँगा छोटे बच्चे थे उनकी अच्छी लाइफ बनाने के लिए मैं जो है दोबारा ज्वाइन किया, बच्चे छोटे थे। क्या करते थे? मेरा नाम है लेसनैक सुलखन सिंह, इसका नाम है लेसनैक कुलवंत सिंह, इसकी पोस्ट के ऊपर ड्यूटी ही, जैसे उग्रवाद घुसया अंदर 6 आदमी इसके ऊपर हल्ला किया, 6 आदमी ने इसने भी गाड़ी किया, इसको मार के अगले आगे जंगल में चल गए। आज अमृतसर में माझा जोन हल्का के नवनियुक्त यूथ अकाली दल के प्रधान सरदार रविकरण सिंह कालो सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए और गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां उनका अमृतसर आगमन पर जगह जगह अकाली दल के वर्कर्स और विधायक ने भरपूर स्वागत किया। वहीं नंबरदार यूनियन के प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह सुल्तानवन की अध्यक्षता में यूनियन के मेंबर्स ने प्रधान रविकरण सिंह कालो को श्री दरबार साहिब का मॉडल और सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। तो आज तो असं गुरु महाराज का शुकराना अदा करना है कि गुरु महाराज ने मेरे ते एड्डी वड्डी मेहर की आ, तो नाल ही मैं पार्टी के सारे आगू साहबान सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, तो सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया का कोटन धनवाद करदा कि जिन्होंने मैनू इस लायक समझिया, तो यह जिम्मेवारी जी मैनू सौंपी है। तो मैं अज गुरु महाराज के अगे यो अरदास बेनती करना है कि सच्चे पिता वाहगुरु जी एड्डी वड्डी जिम्मेवारी मैनू सौंपी आ, तो इनू मैं सही तरीके निभा सकाँ, तो पार्टी तो जोड़े मेरे लीडर साहबान ने उन्हों का नाम है उच्चा कर सकता। तो साड़ी पार्टी ने हमेशा ही नशियां का विरोध किया वा, तो असी सारे ही इस जी मुहिम है ये बड़े तगड़े होकर लगे हैं कि साड़ा साफ सुथरा समाज होवे, तो साड़ी जी नौजवानी आ वो वधिया तरक्की करे, वधिया अपना देश कौम की सेवा करे, पार्टी की सेवा कर सके। देखो जी यूथ विंग किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होंगी, वो वर्कर जोड़े होंगे ने हमेशा ही एक अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि बजुर्गों की सोच होंगी आ, तो नौजवानी का जोश जोड़ा आता वो पार्टी को हमेशा ही चढ़ती कला वाल लैके जाता। 2012 पहले 2007 के यूथ विंग ने बहुत अहम भूमिका निभाई, उस तो बाद 2017 के भी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल ने, तो सरदार मजीठिया जी ने नौजवान वर्ग में बड़ी वड्डी तादाद टिकटा दित्तियां सी, तो साढ़े नौजवान जोड़े है तुम देख सारे MLA साहबान काफ़ी नौजवान ने, तो हूँ जी 2017 आनी है ये भी यूथ विंग का अहम रोल होगा, तो वध तो वध जिहड़ा वा श्रोमणी अकाली दल का तगड़े होकर साथ दे के 2017 के श्रोमणी अकाली दल की जी तीजी बार सरकार बनेगी। वध तो वध असी 10 दिन तक या 15 दिन तक असी सारे जथेबंदी जी माझा जोन की जे जिला प्रधान ने ज होर सर्कल प्रधान ने वो सारी जी आगू जो नौजवान ने उन्होंने सारियां असी जिम्मेवारी सौंप देनी। हुण असी हर हल्के हर गले हर पिंड दे विच जा के यूथ विंग नूं मजबूत करना वा, क्योंकि भर्ती जी शुरू की सरदार सुखबीर सिंह जी बादल दे दिशा निर्देशों से, वो थोड़ा जिहा क्योंकि इस जोन दे विच थोड़ी जी रुकी पई सी साढ़े माझे जोन दे विच, हुण वध तों वध 10-15 दिनों के बाद सारियां नियुक्तियां करके ते उस तों बाद सारियां जिहड़ी भर्ती आ उहदी मुहिम शुरू कर दे। तुहाडा मेरा नाम जी इंद्रजीत सिंह सुल्तानवन, जिला प्रधान नंबरदार यूनियन, असी अज नंबरदार यूनियन वालों नवे बने यूथ अकाली दल प्रधान से प्रधान साहब नाल तलवीर सिंह गिल साहब तो कालू साहब दोवों सन्मानित किया, जेडे नंबरदारा का माण भत्ता वधाया है ना 500 रुपया माण भत्ता वधाया, और संबंध के भी असी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रकाश सिंह बादल जी का, सुखबीर सिंह बादल जी का, बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया जी का, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने करके असी इन्होंने सम्मानित किया, बहुत वधिया कर। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जथेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ने पंथ के मौजूद संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए समूह पंथक संगठनों को अपील की
कि 10 जनवरी को अरदास दिवस मनाया जाए और दोपहर 12 बजे श्री अकाल तख्त साहिब पर इकट्ठे होकर मौजूदा पंथक संकट के हल के लिए गुरु साहिब के आगे अरदास की जाए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबी और बंदी सिंहों की रिहाई पर श्री अकाल तख्त के मौजूदा हालात इस समय पूरी तरह से सिख पंथ के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। कहा कि सिख पंथ पर जब भी संकट आता रहा है तो सिख पंथ ने हमेशा श्री अकाल तख्त साहिब से शक्ति लेकर मसले हल किए हैं। साथ ही उन्होंने देश विदेशों में रहते सिख पंथ को ये अपील की कि अरदास दिवस वाले दिन समूह सिख केसरी दस्तार सजाएं तथा महिलाएं केसरी दुपट्टे लें। पिछले समय तो कुछ ऐसिया पंथक घटनावां दुखदाई हुई ने जिन्हां दे उत्ते सिख संगतां नूं काफ़ी विपड़ा पिया। उन्होंने घटनावां कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी थां तां कुछ धर्म दुखियां ने बया कीती उपरंत कुछ जिहड़ी पंजां प्यारिआं दी साडी परंपरा पंज प्रणी उहदे उत्ते भी कुछ उहनां नूं प्रभाव पिया उहदे उत्ते कुछ लोकां दे उत्ते ते दिन ब दिन जिहड़ियां सिद्धांत ने साडे जिहड़े ने ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਸਤਿਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਾਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖਿਚਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 12:30 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਚੀਦਾ ਹੋਰ ਦਿਨਗੀਆਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਚਰਨ ਚਾਜ ਰੋ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਉਨਕੇ ਗਾਂਵ ਝੰਡਾ ਗੁਜਰਾ ਮੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਬੇਟੀ ਮਧੂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਮੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸ਼ਵ ਕੋ ਕੰਧਾ ਦਿਆ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਕੋ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦੀ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਮੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਸਲਿਊਟ ਕੀਆ ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵਹਿ ਔਰ ਉਨਕੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਥੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਉਨਕੇ ਪਿਤਾ ਕੁਆਟਰ ਸੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕੀ ਤਰਫ ਗਏ ਔਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਨਕੇ ਕੁਆਟਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋਈ ਥੀ ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਵਹਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਛਿਪੀ ਰਹੀ। ਕਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੇ ਆਤੰਕੀਓ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਵਹਿ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ।
फर्स्ट नंबर हमारा कॉमनवेल्थ खेला। अभी भी जो जो एक आर्मी बंदे की जो पूरी जो लाइफ जिसके लिए होती है वो फिर भी उन्होंने उसको हासिल कर ही लिया, फिर भी टॉप पे रहे, अभी भी टॉप पे चल रहे हैं। मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ अपने फादर पे, और मैं चाहता हूँ मैं भी उनकी तरह ये कोई ऊंची ऊंची हासिल करूँ और भारतीय सेना में अच्छा काम करके उनका नाम रोशन करूँ। सर इन्होंने अपने 18 साल के भर्ती होने तो बाद लगातार इन्हें डोगरा च नौकरी की 24 साल और उतो सुखदर मेजर ऑलरेडी कैप्टन आए हैं। AMU जो आर्मी मार्क्समैन यूनिट है उन्होंने रही है सारी सर्विस इन्हों की। उस तो अलावा इन्होंने सुखदर मेजर बन के इन्हों सेना मैडल मिले और पेंशन आने तो बाद इन्होंने कह कि बच्चे छोटे ही दोबारा नौकरी की जरूरत समझी और इन्होंने DSC में ज्वाइन किया और DSC ज्वाइन करने से विचार दूसरी टर्नओवर ही इन्हों तो ये शहीद हो गया जबकि बच्चे आ जाए इन्होंने सारे के सारे अनमैरिड बच्चे है। लड़की ने BSC कर ली है और लड़का एक फौज से हूँ कराता ही, एक्चुअली उन्हें अफसर बनाना चाहते ही लेकिन नौकरी पूरी हो गई बच्चों की और इस कारण उन्होंने अभी अभी दसिया कि चलो फौज के थ्रू अपने ACC क्लास करके कुछ ना उधर की कोशिश करेगा। दुख सानू बहुत साडा ब्रदर चला गया लेकिन गौरव की गल है कि चलो ना हो गया मरना तो साही सारे ने है लेकिन ये मरनी कोई कोई मरे सब नहीं मर सकते। से जाने ये नहीं कहें कि कुछ नहीं किया और हमने आंखों से देखा। हाँ जी देखा, हम पापा के यहाँ पे छुट्टियाँ काटने के लिए आए थे पठानकोट में, हम फैमिली क्वार्टर में नहीं रहते थे, हम जहाँ पर पापा को सिंगल क्वार्टर मिला था खुद का वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पे कोई भी फैमिली नहीं थी और पापा रात को उठे थे 2 बजे ड्यूटी जाने के लिए नाइट ड्यूटी। पापा एक बार गए तो फिर वापिस आ गए सो गए, तो फिर दोबारा 5-10 मिनट बाद अलार्म लगा तो पापा फिर से उठ के चले गए, तो मम्मी ने बोला कि आप वापस को जा रहे हैं, अभी तो आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले गया नहीं था अभी मैं जा रहा हूँ, तो मैं साइन करवा के मतलब कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है पापा को, तो उन्होंने बोला साइन करवा के घर चले जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी आता हूँ, तो जैसे नीचे गए तो मैंने सुना कि पापा ने बाइक स्टार्ट की और चले गए। पापा बाइक स्टार्ट करके जहाँ पे पोस्ट पे जाना था वहाँ पर नहीं गए, पापा साइड में हमारे वहाँ पे मैस थी, वहाँ पे SM अंकल भी रहते थे उनके पास जाकर बैठ गए, उन्होंने बोला थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ हीटर सेक लो थोड़ा आराम मिल जाएगा फिर चले जाएंगे। तो एकदम में फायरिंग शुरू हो गई, तो उन्होंने देखा कि कहाँ पर फायरिंग शुरू हुई, तो उन्होंने दरवाजा खोला, हमने वैसे देखा तो नहीं, किसी ने बताया, और वैसे ही मतलब गोलियां चलने लगी तो एक हमारी खिड़की में भी लगी जहाँ पर हम मतलब जिस कमरे में हम रहते थे, तो एकदम में 2 बम ब्लास्ट हुए तो हम खिड़की हिलने लग गए और मतलब कि फायरिंग शुरू हो गई, तो हमने कहा कि मम्मी हमको लग जाएगी, हम बेड के नीचे छुप गए, हम 3-4 घंटे बेड के नीचे ही रहे, फिर उसके बाद धीरे से मम्मी ने बोला कि उठ जाते हैं बेड पे लेट जाते हैं नीचे ठंड है, तो उन्होंने बोला कि अभी फिर थोड़ी रात हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि कोई भी लाइट ऑन नहीं करेगा, उन्होंने बोला कोई लाइट ऑन नहीं करेगा तो उनमें दिख जाएगा कि ये आतंकवादी मतलब फायर कर देंगे ऐसे में, तो हमने पूरे लाइट वाइट मतलब ऑफ कर रखी थी और कोई शोर नहीं कर रहा था, अगर जैसे ही शोर कर रहे थे वैसे फायरिंग शुरू हो रही थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर में जैसे अंधेरा हो गया 6 बजे तो पापा एक अंकल आए तो हमको लगा शायद पापा आ गए, तो हमने जैसे दरवाजा खोला तो देखा तो अंकल है, तो अंकल ने बोला कि पापा को ने एक गोली लगी, तो हम मतलब घबरा गए। अंकल ने ये बताया अंकल ने ऐसा कुछ नहीं बताया उस टाइम, अंकल ने झूठ बोला था कि मतलब बच्चे घर तक चले जाएंगे, हमको सिक्योरिटी पूरी दे के अपने घर तक लेके गए थे, उन्होंने बोला कि और ज्यादा फायरिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर अंकल ने बोला कि उन्होंने 2 आतंकवादियों को मतलब जैसे घुसे थे वैसे उनकी बंदूक लेके और फिर उसी को शूट कर दिया था, तो उसी टाइम वो वहीं पे मतलब 2 आतंकवादी मर गए और पापा को उसी में से किसी ने छीन के गोली मार दी पीछे पीठ पे, तो वहीं पे पापा शहीद। अमृतसर सेंटर के कांग्रेस विधायक श्री ओम प्रकाश सोनी जी के पिताजी जिनका बीते दिनों देहांत हो गया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। इस दौरान कीर्तनी जत्थों द्वारा इलाही बाणी का स्वरण किया गया। स्वर्गीय श्री जगत मित्तल सोनी जी की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए समूह कांग्रेसी लीडरशिप पहुंची, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद,
कांग्रेस पंजाब प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरदार प्रताप सिंह बाजवा, अंबिका सोनी, डॉक्टर राजकुमार वेरका, मनिंदर सिंह बिट्टा तथा भारी मात्रा में कांग्रेसी वर्कर्स ने शिरकत की। इस दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया तथा सांसदी सकत्तर मैडम नवजोत कौर सिद्धू जी भी उपस्थित हुए। इस मौके पर शकील अहमद ने सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी जी की तरफ से दुख साझा किया तथा कैप्टन सरदार अमरिंदर सिंह जी ने समूह लीडरशिप का सोनी परिवार द्वारा धन्यवाद किया। इस मौके पर गॉडफादर केबल नेटवर्क के MD सरदार गुरदेव सिंह पुल्लर जी ने भी श्री सोनी जी के साथ दुख साझा किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी अंबिका सोनी साहबा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, साबित प्रधान प्रताप सिंह बाजवा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हरीश चौधरी जी, चन्नी साहब CLP के लीडर हमारे सुनील जाखड़ जी, XCLP के लीडर सामरा साहब, हमारे पंजाब सरकार के मंत्री मजीठिया साहब, संतोख चौधरी जी हमारे MP और सारी बैठी हुई संगत, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ओम प्रकाश सोनी जी के पिता स्वर्गीय जगत मित्र सोनी जी के निधन पे गहरा दुख प्रकट करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से भी यह निर्देश प्राप्त हुआ था कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूँ और उनकी तरफ से भी सोनी परिवार को शोक संवेदना देने का काम करूँ। मनुष्य आता है जाता है, बड़े लोग वही होते हैं जिनके जाने पर लोगों की आंखें गीली होती हैं और आज ये कार्यक्रम ये बात बताता है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इस बात को दर्शाता है कि जगत मित्र सोनी जी एक लोकप्रिय व्यक्तित्व थे, लोकप्रिय व्यक्ति थे और समाज के हर तरह के लोग आज यहाँ इस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देने अर्पित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। ऐसे एकत्र हुए हैं आज श्री जगत मित्र सोनी जी की अंतम अरदास के लिए। जैसे शकील जी ने हमें कहा सी, जिहड़े बंदे जिहड़े बंदियां ने काम अच्छा किया होए उन्हें हर वेले लोग याद रखते हैं और अज तुसी दूर दूर तो अज आए हो, असी सारे आए ते दिल्ली तो आए ने। साडे प्रधान साहिबा सोनिया जी, साडे वाइस प्रेजिडेंट साहब राहुल जी के सुनेहा भी लैके आए हैं इन्हां इस परिवार के लिए। देखो दुनिया के विच कोई सदा वास्ते नहीं रहना, महापुरुष आए ने वो गए ने, संत समाज आया है वो जाता है, सारी उम्र अपनी सेवा दे विच लगे रहते हैं, लेकिन अंत विच तो वो दिन आता ही आता है। और सोनी साहब के जिहड़े पिता जी से अज असीं उन्हां नूं खो बैठे, लेकिन एक गल आपां कदे भी नहीं भुल सकते कि जिहड़ा बंदा जाता है जो थोड़े जिन्हां नूं तुसीं बचपन तो ही उही देखिया तुसीं चाहे निके जे हुंदे से अपने माता पिता, ये जब जाते ने एक खास किस्म का दुख होंदा। और अज इन्नी इन्हां नूं सोझ बूझ है जानने लई कि जिहड़ा अच्छा इंसान जैसे इन्होंने पिता जी से जिन्होंने हर वेले सेवा ही की थी, सिर्फ जैसे इन्होंने अज दसिया है कि जिहड़े साडे इत्थों सियासी आगू रहे ने उन्होंने नाल रहे, उस तो अलावा समाज के विच इन्होंने बहुत कुछ काम किया, गरीबों वास्ते बहुत काम किया, अपने इलाके वास्ते बहुत काम किया। मेरी तो इन्होंने नाल अखीरली मुलाकात 2 साल पहला और 3 साल पहला हुई थी जब चोणा हुई थी राजस्थान सिटी बाजार
वह दुकान तो दुकान जा रहे थे साढ़े लिए तो मैं रुक के उन्होंने उत्थे मिलया सी और अज साढ़े बच्चे नहीं रहे अहे जे दिन तो कहना कुछ बहुत ज़्यादा हूँ नहीं सारे दे मन के ये गल भरी हुई है दिलों के भरी हुई है लेकिन मैंने इन्होंने अज जरूर कह कि मैं तो नहीं कहांगा तुम साढ़े वालों कह देना कि धन्यवाद कर देना और मैं जरूर मैं क्या सी मैं जरूर करूँगा सारे का जिन्होंने अज अपना काम कार छड़ के अंतम अरदास शामिल होने इतने तुम पहुंचे मैं सोनी साहब ओम प्रकाश जी सोनी उन्होंने पूरे परिवार वालों थोड़ा धन्यवादी है कि तुम आए हो और सोनी साहब थोनों शकील जी ने साडे जन सैकटरी साहब ने तो कहना पर मेरा ख्याल कला कला कांग्रेस का जो बच्चा है इस पंजाब के अज मन और दिल थोड़े को नाल है ये थोड़े दुख के शामिल हो रहे और पूरी पार्टी वालों पंजाब की पार्टी वालों मैं आपको यही कह सकता कि सच्चे पातशाह अकाल पुरख इस पवित्र आत्मा ने अपने चरणों से वाजे और थोनों सारे परिवार को ये पाणा मंगन का बल बख्शे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सरदार जितेंद्र सिंह औलख जी के दिशा निर्देशों के अनुसार थाना डी डिवीजन के SHO श्री अशोक कुमार जी तथा पूरी पुलिस टीम ने एक व्यक्ति से 22 चाइना डोर के गट्टू बरामद किए ऊपर मुकदमा नंबर 188 दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है एक अपने दविंदर सिंह ने लड़का दविंदर सिंह मंटी बाबा जरनैल सिंह दोनों जो गट्टू बेचन का काम करते पतंगा बचा बनाते पुराने जद्दी काम इन्हों का जरा जरनैल जरनैल का भरा भी दो तरीक सू इनफोरमेन आई सी वो जाके साड़ी पार्टी जो रेड कर गई गली लंबा वाली हैगी इतने हाँ कमा गुजर वाली गली है लोहरीगढ़ अंदर है उत्थे पार्टी गई फिर बोरे नाल से तोड़ा भी मखाया बोरा नाल पाया इस बोरे के गट्टू से बाई गट्टू से तो फड़े पुलिस तो एक मुंडा भज गया मंटी वाला मुंडा इस 188 लाई है अपने जी वायोलेशन होंगी ना ये 144 की वायोलेशन अगेंस्ट की परचा जी किया जी ये कह रहा मैं पुराने गट्टू रखे थे हालात तो दिस रहे कुछ टुटे कुछ साबते ने क्या पुराने गट्टू से पर रखे ने जुर्म किया जी 22 गट्टू से लैके आ रहे मीनस पता कर दस्ते हैं पर जो कीता डिस्ट्रॉय करता गदर पार्टी के बाणी बाबा सोहन सिंह पखना जी की 90वीं वर्षगांठ उनके गांव पखना में मनाई गई जिसमें भारी संख्या में CPI के वर्कर्स ने शिरकत की इस मौके पर CPI के कार्यकारी मेंबर सरदार हरभजन सिंह जी ने कहा कि बाबा पखना जी एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा पखना जी ने गदर पार्टी को जत्थेबंद करने के लिए अहम रोल अदा किया था उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना बड़ा योगदान डाला तथा देश की आज़ादी के बाद मरते दम तक एक जुझारू कम्युनिस्ट आगू होने के तहत देश की जनता की भलाई के लिए संघर्ष जारी रखा था इस दौरान आज़ादी की लड़ाई के समय रह चुके उनके साथियों को भी सम्मानित किया गया असि अज इतने सारे जड़े आ बाबा सोहन सिंह जी पखना के जन्मदिन से जी हर साल कॉन्फ्रेंस होती वो जुड़े हैं ये असं क्योंकि उन्होंने जो सुपने पूरे करने वो साड़ी जिम्मेवारी है असी उन्होंने एहसानमंद हैं उन्होंने जिस तरह का हिंदुस्तान चाहिया ही वो बनाने लिए असी लड़ना साड़ी जी अज की हालत है वो जी केंद्र की सरकार आदि नीतियां जड़िया ने लोक विरोधी है वो एक तो जड़िया वो है जिन्हों अं कहने भी ये नवोदारवाद दिया नीतियां ने जिदा मतलब आ पब्लिक सैक्टर ना हो सब काम धंधे जोड़े प्राइवेट होन और रुजगार की विद्या की सेहत की इस तरह की जिम्मेवारी कोई भी सरकार ना निभावे ये सरमाएदारा के हवाले की जा हिसाब न जो साडा देश है जिंद बहुत ही वसों गरीब है वो लोग इस तरह बच नहीं सकते अं उन्हों नीतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते जी अज की सरकार आ वो तो कांग्रेस दिया पुरानी दिया नीतियां तो एक गलों होर माड़ी आ कांग्रेस वाला सारे माड़ वो ऐप है हूँ एक होर आना यह लगता भी जिन्होंने अजक असहनशीलता आप कहने भी जोड़ा वाला धर्म है हिंदुस्तान जी के बहुते लोग ने सिर्फ उन्हों का ही काम जो इतने चलना चाहिए
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਇਕ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਾਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜਨਾ ਜਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜੂ, ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਕਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ KP ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀਰਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇ ਸਦਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਡੂ ਬਾਂਟੇ ਗਏ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਰਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਂ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਠ ਕੇ ਪੀਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਅਬ ਉਸਕੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੇਂ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਅਗਰ ਤਬ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਤਾ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ ਯੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਹਮ ਖੋਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾ ਜਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਕ ਰਾਜਪੂਤ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੁਮੈਨਸੈਲ ISF। ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹਮ ਲੋਗ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਸੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੇ ਬੁੱਤ ਤੱਕ ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਚੁਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਉਨਕੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਠ ਪਿੱਛੇ ਵੋ ਲੋਗ ਵਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਵੋ ਵਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਨਕੇ ਆਤੇ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਹਮ ਲੋਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਵੋ ਲੋਗ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋ ਸ਼ੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਤੇ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਮੇਂ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਲੋਗ? ਐਸਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ। ਉਨਕਾ ਤੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਮੁਖਯ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਆਤਮਵਾਦੀ ਪੀੜਿਤੋਂ ਕਾ 100 ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਮਿਲਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੋਂ ਨੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰੋਂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਾ ਪੂਰਵ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਂ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਦੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाज़त।